क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए एशिया कप 2018 की फाइनल में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। एशिया कप के इतिहास में ये भारत की 7वीं खिताबी जीत है। लास्ट ओवर के थ्रिलर में टीम इंडिया ने दबाव की स्थिति से उभरते हुए विरोधी टीम को धूल चटा दी। इस जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बेहद खुश हैं और उन्होंने इस जीत का पूरा श्रेय बाकी 10 खिलाड़ियों को दे दिया। साथ ही रोहित ने साफ साफ कह दिया कि वो अब नियमित रूप से कप्तानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, हमने यहाँ अच्छा खेल दिखाया है और इसी के बलबूते मैं कह सकता हूँ कि मैं लंबे वक्त तक कप्तानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। रोहित ने कहा, कप्तान तभी अच्छा होता है जब टीम अच्छी हो, टीम सपोर्ट करे और मेरे साथ जितने भी लड़के थे वो सब कमाल के थे, उनकी वजह से ही मैं अच्छी कप्तानी कर पाया और मैं आगे भी रेगुलर कप्तानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। इसके साथ ही रोहित ने विरोधी टीम की भी तारीफ की और कहा, बांग्लादेश ने बेमिसाल बल्लेबाजी की और हमें दबाव मिला दिया, लेकिन हम जानते थे कि जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी हम मैच में वापसी करेंगे और हमने वो करके दिखाया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।